हमारी आंखें हैं कुछ उसी तरीके से काम करती हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पेज पे है, 7.11 का फिगर है ये। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन पर्टिकुलरली ड्रॉइंग्स में, इतना गुड नहीं था, फिर भी आई ट्राइड इट, होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ ह्यूमन आई एंड हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई। हमारे आई के ऊपर एक आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको मेम्ब्रेन जैसा लगेगा, दैट इज द ट्रांसपेरेंट कवर, दैट इज द ट्रांसपेरेंट कवर, एक ट्रांसपेरेंट कवर है उसके ऊपर। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये यहाँ पे आपका पूरा 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 जो अगर सपोज मैं आपको बना दू, यहाँ पे एक और मैं एक ब्लू लाइन बना दू, मैं यहाँ पे मैं एक ब्लू लाइन बना दू, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉर्निया। तो दिस विल बी योर कॉर्निया, CORNEA, दिस विल बी योर कॉर्निया। देन लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। ये कॉर्निया एक रिफ्रैक्शन के तौर पे काम करता है, ग्लास के तौर पे काम करता है, जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है आपकी आंख में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, फर्स्ट लाइट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो फर्स्ट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कहीं ना कहीं यहां से, ओके, ये पूरा एक मेम्ब्रेन है, कहीं ना कहीं यहां से लाइट एंटर हो रही है, द इंसिडेंट लाइट इज एंटरिंग। याद करो अपना पुराना सब रे डायग्राम्स याद रखना, प्रॉपर्टी रे डायग्राम देख लेना कैसा किया था, क्या किया था, एंड यू नो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पे दो लाइट, दो रिफ्रैक्टेड रे मीट हो रहे हैं वहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जस्ट रिकरेक्ट एवरीथिंग, तो ये तुमको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो कॉर्निया है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन वहां से हो रहा है, बाहर से लाइट आ रही है, हमारे सामने एक कुर्सी पड़ी है, हमारे सामने एक कैमरा है, हमारे सामने कुछ और है जो हमको दिख रहा है। हाउ आर वी एबल टू सी दैट, हाउ आर वी एबल टू सी दैट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। डायरेक्ट कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है, यहाँ पे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है डायरेक्ट यहाँ पे। This particular part is called iris. This particular part is called iris. ये iris बहुत से लोगों के लिए अलग अलग कलर की होती है, किसी के पास ब्लैक है, किसी के पास ब्राउन है, किसी के पास ग्रीन है। इस iris की कलर, जो iris की कलर है उससे लोगों की आंख के कलर की पहचान होती है। ओके, द कलर ऑफ द iris इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। There is a small hole of changing diameter at the center of the iris, which is called as pupil. यहाँ पे कहीं पे आपको एक छोटा सा opening मिलेगा इस iris में, that will be called as pupil. Okay? What is the function of the iris? क्या है? Iris के अलग अलग कलर्स होते हैं। ओके, देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस व्हिच इज कॉल्ड द प्यूपल। ये आइरिस जो है ना लाइट अलाउ करती है एंटर होने के लिए प्यूपल के थ्रू। द प्यूपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, द प्यूपल कंट्रोल द लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन थ्रू द आई। क्या होता है, सपोज आप अंधेरे में लेटे हो एंड सडनली somebody स्विच ऑफ द लाइट, तो आपको आंख एकदम चमक जाती है। ओके, यू फील अ बिट ऑकवर्ड फॉर अबाउट 5-10 seconds। या घर से निकलो और बाहर धूप में निकलो तो थोड़ा आपको आंख पे प्रेशर आता है। ओके,
दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्यूपल्स के चेंजिंग की वजह से। आप अगर एक आईने के सामने खड़े हो जाओ, ओके, लुक केयरफुली इन द मिरर, और आप लाइट बुझा दो मिरर के सामने, और उसके बाद ऐसा से लाइट चालू कर लो। जब आप लाइट बुझाए तो आपकी प्यूपल जो है वो अच्छी खासी बड़ी होगी, पर जैसे ही आपने लाइट जलाया, इफ यू आर एबल टू नोटिस फॉर ए स्प्लिट वन सेकेंड, यू विल सी दैट प्यूपल इज डायलेटिंग स्लोली। आपकी प्यूपल स्लोली छोटी होती है। तो पहले जब डार्क था तो आपकी प्यूपल बड़ी थी, इट वॉज ट्राइंग टू टेक मोर ऑफ लाइट इन टू इट, बट जैसे लाइट जली वो प्यूपल डायलेट हो गई, वो प्यूपल थोड़ी सी छोटी हो गई, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वॉज कमिंग। क्या है, आपके आंख में एकदम मैक्सिमम लाइट भी एंटर नहीं हो सकती है। आप अगर कभी कंटिन्यूसली सन की तरफ देखेंगे तो आप मैक्सिमम लाइट एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो रेटिना है, जो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रेटिना, वो डैमेज हो सकता है, आप ब्लाइंड हो सकते हो। तो प्यूपल का ये फंक्शन है, ओके। द प्यूपल कंट्रोल्स, मतलब प्यूपल जो है वो छोटा बड़ा होता है, ये पर्टिकुलर होल है वो जो छोटा बड़ा होता है। द प्यूपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट, If the light falling on the eye is too bright, pupil contracts. Pupil छोटी हो जाती है। मैंने last time lecture ले रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको dilate बोला, dilate बोलो तो it increases. वापस यहाँ पे उल्टा है, your opposite word contracts and dilates. Okay? तो it contracts. While if the light is dim, light अगर dim है तो ये प्यूपल वाइडेंस होता है, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा है तो प्यूपल छोटा हो जाएगा, लाइट अगर कम है तो ये प्यूपल वाइडन हो जाएगा, फाइन। ऑन द सरफेस ऑफ द आयरिस देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर्स। ऑन द सरफेस ऑफ द आयरिस देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर्स, ओके। ये आपका प्यूपल है, यहां पे कहीं ना कहीं आपके ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं, ओके। उसके बाद देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स भी बोल रहे थे, पाई कॉन्वेक्स भी ले रहे थे, वहां पे आपके एक डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपल। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। This is your convex lens. Fine. So there is iris, there is pupil, there is convex lens, crystalline convex lens. Fine. There is a double convex. ये है आपका convex lens. ठीक है? This particular part is convex lens. There is a double convex transparent crystal lens just behind the pupil. The lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. This lens creates a real and inverted image of the object on the screen inside the eye. आपका इमेज कौन सा दिखता था, आपको इमेज कौन सा आप स्क्रीन पे देख सकते थे, वो था रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता था, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां से, कहीं ना कहीं आपकी आईज है, कहीं ना कहीं आपकी आईज है, कहीं ना कहीं यहां से आपका रेज आ रहा है, यहाँ पे आईज का आपका रेटिना है जो भी हम स्टडी करेंगे, ओके। यहाँ पे आपके रेटिना पे ये कन्वर्ज हो रहा है, ये आपका आई पार्ट है, ये आपका स्क्रीन पार्ट है जो आपकी आंख में है, इसके ऊपर आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है आंख में, आपके पीछे रेटिना पे। मैं अभी आपको रेटिना समझाऊंगा, मैं रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ओके। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ये यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ये ठीक है। ये आपकी ओपनिंग है जहां से लाइट एंटर हो रही है, यहाँ पे आपका ये ओपन लेंस है, यहाँ से कितनी भी लाइट एंटर हो सकती है, पर ये जो लेंस है इसमें कितनी भी लाइट एंटर नहीं होने दे सकते। अगर ज्यादा लाइट एंटर होगी तो योर रेटिना विल बी डैमेज समवेयर, रेटिना यहाँ पे है, स्क्रीन आपके है, तो यहाँ पे एक प्यूपल है जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आप अगर मैनुअली कैमरा यूज करते हो तो वहां भी आपका एपर्चर रहता है,
जहाँ पे आपको फोटोग्राफ लेना है, आपको सूरज में फोटोग्राफ लेना है, आपको छाव में या रात में फोटोग्राफ लेना है, आप अगर सन में फोटोग्राफ लेते हैं तो आप उसके एपर्चर को छोटा कर देते हैं, उस कैमरे की ओपनिंग को छोटा कर देते हैं ताकि कम से कम लाइट एंटर होए। जब आपको नाइट में आपको फोटोग्राफी करने का है तो एपर्चर का होल आप बड़ा कर देते हो ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर होए, तो कैमरा का एपर्चर और यहाँ पे आपका प्यूपिल सेम काम करता है। कैमरा का एपर्चर और यहाँ पे आपका आँख का प्यूपिल सेम काम करता है। अगर मैक्सिमम लाइट दिन में अगर आप देख रहे हो तो ये प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अगर रात में आप बाहर घूम रहे हो तो ये प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ताकि आपको मैक्सिमम लाइट नजर आए, मैक्सिमम लाइट एंटर हुए, तो आपको दिन में और रात में दोनों बार आपको सेम तरीके से नजर आता है, कहीं भी आपको डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल। अभी मैं वो डायरेक्ट का वर्ड उड़ा देता हूँ, मे बी कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग गलत हो रहा है, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उजाले में और वाइडन हो रहा है अंधेरे में जब कम लाइट है, फाइन। तो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म हियर समवेयर रेटिना पे। द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं एक तो ये डायग्राम आपको बता दिया, अभी यहां पे एक तो लेंस ये है, ठीक है, और एक लेंस ये है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ओके, You will try to tell me किसकी focal length ज़्यादा होगी, fine, और focal length कहाँ पे आ रहा था, आपके curvature, okay, आपके curvature का आधा हो रहा था, तो ये जो जितनी पतली length होगी ना उसका focal length ज़्यादा होगा, ये F1 है, ये F2 है, तो F1 का focal length ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, आप जहाँ पे पॉइंट रख के आप बना रहे हो, तो ये जितना बड़ा एंगल है, जितना बड़ा आर्क बनेगा उतना दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो उतना ज्यादा बड़ा फोकल लेंथ होगा, जितनी छोटी लेंस होगी, जितना बल्जी लेंस होगी उतना छोटा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उतना छोटा फोकल लेंथ होगा, उतना छोटा फोकल लेंथ होगा, ठीक है, तो जितनी पतली लेंस उतना ज्यादा फोकल लेंथ है, जितनी मोटी लेंस उतना कम फोकल लेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, फाइन। सो यू हैव द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज, ओके, यहां से लेंस फोकस करने की कोशिश करती है। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन साइड द आई, यहां से रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये आपकी आईज है, यहां से रिफ्रैक्ट हो रहा है, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बन रही है, कहाँ पे इमेज बन रही है अभी हमको देखना है, कहाँ पे इमेज बन रही है, वी हैव टू सी दैट, ठीक है, ओके। द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, अब हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं जहां पे इमेज बन रही है, ये स्क्रीन है हमारा जहां पे इमेज बन रही है, ठीक है, द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है, आपकी स्क्रीन यहां पे है, ये है आपकी स्क्रीन जहां पे आपका इमेज बन रहा है, यहाँ का इमेज बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और ये रेटिना किस चीज से बना हुआ है, ये रेटिना बना हुआ है लाइट सेंसिटिव सेल्स के, ये रेटिना बना है लाइट सेंसिटिव सेल से, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ओके, ये रेटिना बना है लाइट सेंसिटिव सेल से, तो पहले आपके बाहर क्या है, कॉर्निया है जो आपका मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या है आपका आयरिस है जो आपके आंखों का कलर बताता है, आयरिस के बीचों बीच में एक होल है उसको बोलते हैं प्यूपल, प्यूपल के पीछे थोड़े मसल्स है और यहाँ पे आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है। एक चीज और है जो आपकी बुक नहीं मेंशन करती है, ये जो लेंस है हवा में तो नहीं है, लेंस को कहीं ना कहीं लेंस को फिटेड होना चाहिए, तो यहां से
दो चीजें लेंस को पकड़ के रखती हैं, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स, इसको बोलते हैं सीलियरी सीलियरी मसल्स, जो लेंस को अपनी जगह पे फिट बिठा के रखते हैं, दे आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स। ठीक है, फाइन। तो हम यहाँ पे रेटिना की बात कर रहे थे। दिस स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इज कॉल्ड रेटिना। दिस सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है, आपके स्क्रीन के ऊपर मूवी देखने के लिए गए, वहां पर स्क्रीन पे गई तो कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट चालू हो जाता है, तो वैसे ही स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ मूवमेंट चालू हो जाता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यहाँ कुछ रखा हुआ है, रेटिना देख लिया, अरे वहां पे कुछ है, वो रेड कलर का है, समथिंग बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर एक आंख का इमेज बना हुआ है, पर वो देखने वाले को बताना है, मेरे को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो रेटिना के यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्साइट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दिस सेल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन, ब्रेन को बता देते कि भाई सामने वहां पे आईज का डायग्राम है, ब्लैक कलर का बना हुआ है एंड समथिंग। दिस सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ये जो नर्व्स है, दे आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन से कनेक्टेड है, ये ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट के बारीक बारीक चीजें हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे हाथ में चिमटी लूं तो मेरे को ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन बताएगा कि यहाँ पे चिमटी ली गई है, मुझे चोट लगेगी। मेरा हाथ किधर आग में ऐसे लगाऊंगा तो मुझे बर्निंग सेंसेशन आएगा, वहां पे नर्व ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन रीड करता है, उसके बाद मुझे बताते हैं। वैसी मैं अगर कुछ देख रहा हूँ, सामने कुछ देख रहा हूँ, तो मेरे आईज में एंटर हो रहा है, रेटिना पे जा रहा है, लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्साइट हो रहे हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स को बता रहे हैं, ऑप्टिक नर्व ब्रेन के ऊपर जा रहे हैं कि बस सामने कोई अच्छी चीज रखी हुई है, आई एम एबल टू सी दैट। रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, पर ब्रेन हमको उसको स्ट्रेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बता के हमको बता रही है, वी आर एबल टू सी इट एब्सोल्युटली स्ट्रेट। तो दिस सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, लेटर द ब्रेन एनालाइजेस। ठीक है, हमारा ऑप्टिक नर्व, हर चीज हमने हमने हमारे बॉडी से ही बनाया है, हमारा ऑप्टिक नर्व यहाँ पे प्यूपल, यहाँ पे जो भी बनाया है, हमने कैमरा बना लिया उससे, अभी हमारे ब्रेन को जैसा रीड करता है, एनालाइज करता है, हमने कंप्यूटर बना लिया है। ठीक है, लेटर द ब्रेन एनालाइजेस एंड दिस सिग्नल्स आर analyzes these signals and converts them in such a way that we perceive, हम देख सकते हैं, that the objects as they actually are, वो optic nerves convey करते हैं brain को, और brain उसको analyze करता है, और हमको object सीधी नजर आती है, जबकि retina पे object का image real और inverted जाता है। ठीक है, so understood this? ये मेन पार्ट्स आपको याद रखना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस, ये पर्टिकुलर पार्ट कॉर्निया है, ये पर्टिकुलर पार्ट प्यूपल है, आयरिस है, सीलियरी मसल्स है, ये डायग्राम ऑप्टिक नर्व है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए, नेमिंग भी आना चाहिए। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें तो नहीं है, बाकी का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे रेटिना है। ठीक है, देन अब और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हमारा लेंस रखा हुआ था और लेंस के मैं इमेजेस अलग अलग जगह पे नजर आ रहे थे। ओके, इमेज यहां पे था, हमारा लेंस था, हमने पोजीशन चेंज किए तो इमेज अलग अलग जगह पे बन रहे थे। तो अब मेरा यहां पे लेंस रखा हुआ है, मैं सामने चीज भी देख रहा हूँ, सामने कोई बैठा है उसको भी देख रहा हूँ, मेरे हाथ में पेन है उसको भी देख रहा हूँ, सामने जो बैठा है उसको भी देख रहा हूँ, और मेरे पीछे दूर कम से कम 50 मीटर दूर पे एक दुकान है वो भी दिख रही है मुझे, और तीनों चीज मुझे क्लियर नजर आ रही है, जबकि मेरा इमेज अलग अलग जगह पे बनना चाहिए, पर मेरा इमेज इमेज मेरा हमेशा रेटिना पे ही बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, इमेज रेटिना पे क्यों बन रहा है। ठीक है, फाइन, वी आर गोइंग टू सी दिस। व्हेन सीइंग ऑब्जेक्ट एट ए लार्ज डिस्टेंस,
व्हेन सीइंग ऑब्जेक्ट एट ए लार्ज दिस लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमने रे डायग्राम बना था लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस के बारे में, क्या था सारे रेस पैरेलल है, ठीक है, आपका ये आईज है, ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये आई है, ये आपका रेटिना है, यहां से आपके पैरेलल आए हैं, ओके पैरेलल आए हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, यहां पे आपको बताया था मैंने, एक तो ये है और एक ये है, सबके सबके लेंस के अलग अलग फोकल लेंथ है, जितनी पतली लेंस उसका उतना फोकल लेंथ ज्यादा, जितनी मोटी लेंस उसका फोकल लेंथ कम, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्रिस्टलाइन लेंस, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस, यहां पे फिक्स शेप नहीं है, ये शेप बढ़ता है छोटा होता है, ये शेप बड़ा होता है, ये शेप छोटा होता है। When you are seeing object at a large infinite distance, the lens of the eye becomes flat. The lens of the eye becomes flat. ऐसे पतली हो जाती है. And its focal length increases. उसकी focal length बढ़ जाती है. As shown in the part A of the figure. As shown in the part A of the figure. वहाँ पे आपका यहाँ पे जो बस suppose eye है, तो आपकी lens कुछ इस तरीके से हो जाती है. तो यहाँ पे refract होने के बाद वो सीधा रेटिना पे पड़ती है, वो सीधा रेटिना पे पड़ती है, ठीक है, जब दूर है, फाइन। उसके बाद व्हाइल सीइंग नियर ऑब्जेक्ट, व्हाइल सीइंग नियर ऑब्जेक्ट, मैं वापस आपको भाई इसी तरह थोड़ा फ्रेम के बाहर चला जाएगा, व्हाइल सीइंग नियर ऑब्जेक्ट आपका जो रेटिना है थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा जब आप नजदीक से कोई देख रहे, ओके, ये तो आप दूर से देख रहे थे, अब कोई चीज आप नजदीक से देखेंगे, फाइन। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उस वक्त आपकी आपकी जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगी, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। व्हेन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस एज शोन इन पार्ट बी ऑफ फिगर 7.1, आपके टेक्स्टबुक में है वो दोनों फिगर है। This way we can see objects clearly irrespective of the distance. ठीक है? तो मेरे पास अगर नजदीक रहे, पेन मेरे पास इतना दूर रहे, या सामने मेरे पास कुर्सी पे कोई बैठा है, या 50 मीटर की दूरी पे कोई गाड़ी आ रही है, तीनों चीजें मुझे क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि ये मेरा क्रिस्टलाइन लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एडजस्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, क्लियर है। Therefore we are able to see all the objects clearly irrespective of the distance. ठीक है, फाइन, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ क्या हो रहा है, एक चीज आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए, ये जो लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट कर रही है, कभी पतली हो रही है कभी मोटी हो रही है, इस प्रोसेस को, इस लेंस को अपने एडजस्टमेंट के लिए, फ्लैट होने के लिए, फैट होने के लिए, जो उसका प्रोसेस है उसके लिए टर्म दिया हुआ है। व्हाट इज दैट टर्म? द कैपेसिटी ऑफ द लेंस, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस to change its focal length as per need, the capacity of the lens to change its focal length as per its need, ये आपके one line question में आ सकता है या आपके fill in the blank में आ सकता है, the capacity of the lens to change its focal length as per its need is called power of accommodation, is called power of accommodation, ये याद रखना जरूरी है, आपको important statement है। Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease, it cannot do so beyond a limit. ठीक है, मैंने कहा increase हो सकता है, decrease हो सकता है, पर कहीं ना कहीं एक limit है। मैं ये pen देख सकता हूँ, पर मैं बोलूँ मैं यहाँ से देखूँ pen, तो कुछ problem आएगा, आपके आँख पे sensitive आएगा, या कोई 100-150 meter पे कोई building पे कोई खड़ा है, तो मुझे ये बरोबर clear नहीं नजर आएगा, क्योंकि it is very very far. तो यहाँ पे लेंस की भी एक लिमिट है, ठीक है, उस लिमिट को भी अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की एक लिमिट थी कॉन्ट्रैक्ट होने की या वाइडन होने की। व्हाट इज दैट लिमिट, हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बुक में पढ़ रहा हूं, कभी भी कोई भी टीचर बुक पढ़ती है या आप भी बुक पढ़ते हो तो इस तरीके से रख के पढ़ते हो, कभी आप ऐसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते, यहाँ पे ले लिया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कहीं ना कहीं एक लिमिट तक बुक है, उससे नजदीक लाओगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट, उससे नजदीक लाओगे तो आपके आईज पे स्ट्रेन होने लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, द
द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई. नॉर्मल आई बोले तो अगर आंख में नंबर नहीं है, हम आगे देखेंगे आंख के बहुत सारे डिफेक्ट देखेंगे, किसकी वजह से चश्मा लग जाता है वो डिफेक्ट भी स्टडी करेंगे. तो फिलहाल यहाँ पे द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एक नजदीक का डिस्टेंस उतना है कि उससे नजदीक लाएंगे तो हमारे आंख पे स्ट्रेन पड़ेगा, वो डिस्टेंस को बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और वो जो पॉइंट है, वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारे को कोई स्ट्रेन नहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई. दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई. यहाँ पे ये तीनों चीज है, आपको कोरिलेशन में आ सकता है, ध्यान में रखो. तो आपको अगर यहाँ पे पूछा नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर, तो फार पॉइंट ऑफ द आई आपको पूछेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इन्फिनिटी जवाब दे सकते हो. ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. दिस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई. फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. द फार्देस्ट डिस्टेंस, दूर का, द फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई. दूर का चीज कभी कभी आपको आंख बारीक करके देखना पड़ता है, नॉर्मल आई को. तो एक दूर की चीज विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फार्देस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और उस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दिया गया है फार पॉइंट ऑफ द आई. The position of the object at this distance is called the far point of the eye. For a normal human eye, the far point is infinity. For a normal eye, the far point is infinity. Okay? Fine. Thank you very much.